अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तोकीर मज़हर है। ऑलवेज यही कोशिश होती है कि हम अपने क्लाइंट्स को, अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको बेहतर से बेहतर गाइड करें डीएचए बहावलपुर के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन। आज की हमारी डिस्कशन का ताल्लुक डीएचए बहावलपुर की फाइल्स के मुतल्लिक है। डीएचए बहावलपुर में फाइल्स की बात की जाए तो 1 कनाल और 10 मल्ला के एफिडेविट्स हैं, इसी तरह 4 मल्ला कमर्शियल है और सेक्टर जी का 1 कनाल है। हम आज बात करते हैं जनरल फाइल की। जैसे कि 1 कनाल की जनरल फाइल किस टाइम पे जो प्राइस है ऑलमोस्ट कोई 32 लाख के करीब है, और 10 मल्ला की जो एफिडेविट की अगर बात की जाए तो वो तकरीबन को 22 लाख में है, बट वो अवेलेबल हो जाती है कुछ 50 हज़ार रुपया, लाख रुपया डाउन में आके भी, क्योंकि बेसिकली इस टाइम पे जो मार्केट का ट्रेंड है वो देखा जाए तो काफ़ी बेहतर की तरफ है। बहावलपुर में डीएचए में इस टाइम पे बेहतर ग्रोथ हो, और उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो 1 कनाल की जो फाइल है ये तकरीबन कोई 64 से 65 लाख से वापस आई है। सो ऑलमोस्ट हाफ से भी ज़्यादा का रिटर्न है जो कि इस टाइम पे बाय करेंगे, और इसमें प्रॉफिट काफ़ी देखा जा रहा है। अगर तो आप इस चीज़ को कहते हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है और मैंने इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है, तो बेनिफिट आपके लिए है। अगर आप इस चीज़ को 2 महीने में सेल करना चाहें, या आप बाय करने के बाद ही फाइंड करना चाहें कि मेरा कोई फाइल बेच दे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन को 5 से 6 मंथ तो आपको वेट करना पड़ेगा। डीएचए बहावलपुर में कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए जो कि 4 मरला कमर्शियल है, जिसको फाइल हम कहते हैं जी सेक्टर की, उसकी भी इस टाइम पे जो रेट्स हैं तकरीबन को 75 लाख रुपये है, 75 से 77 लाख रुपये में वो फाइल अवेलेबल है सेक्टर जी की, जो कि 250 फिफ्थ मेन बुलेवार्ड की है। इसी तरह अगर हम बात करें सेक्टर जी की, सेक्टर जी की जो प्राइसेज है वो भी ऑलमोस्ट 1 कनाल जनरल के अराउंड ही है, तकरीबन कोई 31-32 लाख के करीब है, और इसमें भी काफ़ी बेनिफिट है। बट रिकमेंडेबल ये है कि आप जनरल फाइल बाय करें 1 कनाल की और 10 मल्ला एफिडेविट की। 10 मल्ला एफिडेविट इस टाइम पे काफ़ी मुनासिब रेंज में है। और अगर हम बात करते हैं जो हमारे क्लाइंट्स इस टाइम पे परेशान हैं कि जिनके प्लॉट्स निकल आए हैं 5 मल्ले के सेक्टर एस में और ई में, और इसी तरह हमारे जो क्लाइंट्स हैं जिनके 8 मल्ले का प्लॉट निकला है सेक्टर क्यू में, तो उस लिहाज से या उसमें 1 कनाल के प्लॉट्स हैं एम में, न्यू जो सेक्टर जितने भी आए हैं उनकी प्राइस थोड़ी कम है। सो वजह ये है कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी न्यू प्लॉट्स हैं, उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस स्टार्ट हो चुके हैं। डेवलपमेंट चार्जेस शुरू होने की वजह से हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स पे नहीं करना चाह रहे, तो इसलिए उसके रेट्स काफ़ी डाउन है। तो अगर आप अपना कोई प्लॉट फर्दर चला सकते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस दे सकते हैं, डीएचए में जमा करवा सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, तो ही आप उसको कंटिन्यू करें और तो ही आप बाय करें। अगर तो आप उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते और आप इसको वेट करना चाहते हैं कि आप इसकी बेसिकली डेवलपमेंट चार्जेस पूरी होने से पहले ही आप इसको सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप उसको सेल आउट कर दें। इसमें यह है कि आपका जितने भी प्लॉट्स हैं, जितने भी कोई लोकेशन आप जानना चाहते हैं, या डीएचए बहावलपुर के मुतल्लिक आप कोई फाइल के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे मोबाइल नंबर हमारे ऑलवेज अवेलेबल हैं। कॉल आप कर सकते हैं हमें, किसी भी टाइम आप कॉल करें, हम ऑलवेज आपको रिस्पोंड करेंगे। डीएचए बहावलपुर में 5 मल्ले का इस टाइम पे प्लॉट बहुत मुनासिब रेट पे मिल रहा है, और 10 मल्ला की जो फाइल है रिकमेंडेबल है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में देखा जाए तो हमारे पास मज़ीद इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इंस्टॉलमेंट पे भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं, और इंस्टॉलमेंट पे शॉप्स भी अवेलेबल हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।